फ्यूचर ऑफ जिम बिजनेस इन इंडिया, जिम बिजनेस का भविष्य क्या है इंडिया के अंदर। अगर आप कोई जिम प्लान कर रहे हैं, जिम लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे कि मैं जिम लगा तो रहा हूँ लेकिन फ्यूचर क्या है, इसका भविष्य क्या है, ये कहाँ पे कैसी ग्रोथ रहेगी, इसकी ग्रोथ रहेगी भी कि नहीं रहेगी, ये सवाल मन में आते होंगे। तो इसके ऊपर हमने कुछ रिसर्च किया है और कुछ टॉपिक्स हैं उसके ऊपर, कुछ मार्क्स किए हैं मैंने जो आपको मैं बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट्स में हम समझेंगे कि क्या फ्यूचर रहने वाला जिम बिजनेस का इंडिया में, और ये पूरा एक सर्वे है तो मैं आपके सामने वो रखूंगा। तो पहला पॉइंट है फिटनेस को लेके अवेयरनेस। तो आजकल आप देखते हो कि जागरूकता बहुत बढ़ गई है फिटनेस को लेके, छोटे बच्चे से लेके इवन 18 प्लस जो भी लड़के हैं और 40 प्लस, आप जिमों में जाते होगे, आप पहले देखते होगे कि 18, 20 साल, 22 साल के लड़के ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, लड़के या लड़कियां, बट अब आप देखोगे कि 40 प्लस के लोग भी जिम में पार्टिसिपेशन उनकी अच्छी हो गई है। तो अवेयरनेस बहुत बड़ी है आजकल फिटनेस को लेके, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद जिस तरीके से वो महामारी आई और जैसे लोगों ने, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया लोगों को कि आप फिटनेस पे काम कीजिए, वॉक कीजिए, दौड़ लगाइए, जिम जाइए, तो एक ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ी है। तो इससे आप एक पॉइंट, एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ अवेयरनेस तो बिल्कुल बढ़ी है। आप कोविड के बाद देखोगे तो अवेयरनेस बहुत अच्छी हो गई है और ये डेफिनेटली ग्रो ही कर रही है अवेयरनेस। तो एक ये पॉइंट है जिससे भविष्य अच्छा दिखता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट ये है कि गाँव का शहरीकरण बहुत हुआ है। इसका कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन ऐसा चला है कि गांव में अब कम लोग रह रहे हैं, शहर में ज़्यादा मूव कर रहे हैं, मतलब रैपिडली वो परसेंटेज, एक स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, शहरीकरण बहुत ज़्यादा। इवन जो छोटे छोटे शहर थे उनमें भी आप देखोगे तो आजकल जो जीवन शैली हो गई है शहर की, छोटे शहर के आसपास इतना ज़्यादा विस्तार हुआ है शहरों का कि वो बहुत बड़े बड़े शहर हो गए हैं। आप देख लो कि 10 साल पहले, 8 साल पहले जो भी छोटे टाउन थे या डिस्ट्रिक्ट थे, वो उनके जो मेन शहर होते हैं, जो सिटी होती है, उनका कितना विस्तार हुआ, नई नई कॉलोनीज बन गई, सोसाइटीज बन गई। तो शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। तो शहरीकरण होने के कारण फिर उनको फिटनेस की डिमांड आती है कि अब जिम जाना है हमें, आबादी शहरों में बढ़ गई है। इवन गांव में भी आजकल जिम ओपन होने लग गए हैं। अब मैं एक बीइंग अ जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में देखता हूँ, धीरे धीरे जो है पेनिट्रेशन गाँव में भी बढ़ रहा है, तो भविष्य बहुत अच्छा है। ये भी एक पॉइंट ऐसा है जो हमें दर्शाता है कि भविष्य गांव में भी, शहरों में भी, पूरे ओवरऑल इंडिया में भी जिम बिजनेस का भविष्य अच्छा है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन। सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है हमारे देश में, लगभग 100 करोड़ के आसपास लोग इंटरनेट यूज़र हो गए हैं हमारे देश में। और इंटरनेट पे आप जानते हो सोशल मीडिया पहली प्रायोरिटी है, अगर आपके पास मोबाइल है और इंटरनेट है उसमें, तो आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन चीज़ों पे अपना समय व्यतीत करते हो। और फिर उससे क्या होता है, जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सोशल मीडिया का इतना वो हो गया कि अगर आप किसी चीज़ को जानते भी नहीं तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, कोई यूएस में भी अगर कंटेंट बना रहा है और इंडिया में कोई देखना चाहता है कि यूएस में क्या हो रहा है या यूएस वाला बंदे की सोच क्या है, तो आप यहां समझ सकते हो कि अच्छा ये सोचते हैं, ऐसे चलता है ये। तो इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया, आप देखते हो आजकल फिटनेस पे पॉडकास्ट, न्यूट्रिशन पे पॉडकास्ट, डॉक्टर्स खुद वीडियोज़ बनाने लग गए हैं, वो बताने लग गए हैं कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है। इसकी वजह से भी अवेयरनेस बहुत बड़ी है। सेलिब्रिटी को देख लो, आप सेलिब्रिटी को लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो प्लेयर्स हों, क्रिकेटर्स हों, किसी भी गेम से ताल्लुक़ रखते हों, या वो बॉलीवुड एक्टर्स हों, तो लोग आजकल जो यूथ है, स्पेशली जो जेन ज़ी है, वो बहुत फॉलो करता है उनको, तो वो फिर उनके फिटनेस भी फॉलो कर रहे हैं लोग। क्या होता है, पार्टिसिपेशन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी दिखाता है कि फिटनेस इंडस्ट्री का जो है, यानी जिम बिजनेस, उसमें अगर हम बात करें, फिटनेस इंडस्ट्री में एक छोटा सा संघ जिम बिजनेस का है, न्यूट्रिशन का है, अलग अलग इसमें सेक्टर्स हैं, तो उसमें पेनिट्रेशन बहुत बढ़ा है और ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। तो ये मान के चलिए कि भविष्य बहुत ही ब्राइट है। ये भी पॉइंट दर्शाता है कि जिम का भविष्य बहुत अच्छा है, जिम बिजनेस का भविष्य बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो थोड़ी इंक्रीज हुई है पिछले 5-7 साल का। आप अगर आप डेटा उठाओगे, गवर्नमेंट का डेटा हो या किसी प्राइवेट सर्वे एजेंसी का डेटा हो, डिस्पोजेबल इनकम, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपकी पहले नीड है वो पूरी हो गई, फिर आपके पास एक वैसी इनकम बचती है जिसको आप कुछ अलग चीज़ों में खर्च करते हो, या तो आप इन्वेस्ट करते हो। अब इन्वेस्टमेंट का जो पहला रूल होता है वो नॉलेज पे इन्वेस्ट होता है पहले, फिर फिटनेस यानी हेल्थ पे इन्वेस्ट होता है, और फिर जाके वेल्थ पे, अलग अलग वेल्थ पे, जैसे रियल इस्टेट में, या आप मार्केट में, या आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम इन चीज़ों में यूज़ होता है। तो जब आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, एक बंदा है जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है, अगर उसका खर्चा 15,000 रुपये का है, तो 5,000 जो उसके पास बचेंगे, या तो उससे कुछ वो ज्ञान लेगा। पहला इन्वेस्टमेंट, हमेशा मेरा भी मानना है कि पहला इन्वेस्टमेंट नॉलेज होती है, आप एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हो,
पेड़ सीख रहे हो, और सेकंड ये है कि हेल्थ पे, तो फिर वो आप वो डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी, तो एक छोटा सा चंक आपका जिम बिजनेस में डलता है, तो जिम बिजनेस का ग्रो होना लाजमी है। तो ये भी एक पॉइंट दर्शाता है कि जिम बिजनेस का भविष्य अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में मैं देखता हूँ कि जिम्स इतने ज्यादा ओपन हो रहे हैं, जिम बिजनेस इस कदर ग्रो हो रहा है। पहले ये सेक्टर जो होता था ये अनऑर्गेनाइज्ड होता था, आज भी मैं ये मान के चलता हूँ 80-90% अनऑर्गेनाइज्ड है, पर 10% से 15% पेनिट्रेशन बड़े ब्रांड्स का हो गया है इसमें। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप देखेंगे इतने ज्यादा आपको एड देखने को, प्रमोशन देखने को मिलेंगे कि बड़े बड़े ब्रांड, मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं जिम मैन्युफैक्चरिंग या जिम इक्विपमेंट ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, सर्विस सेक्टर में तो इतने सारे ऐप्स आ गए हैं एक्सरसाइजेस के, और उनका पेनिट्रेशन इतना अच्छा है, उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन में पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है और ग्रोथ हो रही है। अगर आप एक जगह बैठ के देखोगे तो इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप एक मार्केट में निकल के सर्वे करोगे, ऑनलाइन सर्वे करोगे, तो आपको ग्रोथ दिखेगी कि आफ्टर कोविड जो है नए नए ऐप्स, एक्सरसाइज के ऐप्स, न्यूट्रिशन के ऐप्स, और अपना जो सर्टिफिकेशन के आजकल इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत अच्छी तादाद में बढ़े हैं। ये भी दर्शाता है कि जिम का भविष्य जो है, जिम बिजनेस का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, बहुत ब्राइट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन बढ़ी है, नए नए आपके जैसे खेलो इंडिया देखते हो आप, तो खेलो इंडिया है, फिट इंडिया मूवमेंट जो आया है नया गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट भी पहल कर रही है कुछ ना कुछ। खेलो इंडिया, अगर मैं गेम्स की बात करूं तो गेम्स का एक बड़ा पार्ट जो आप देखोगे वो फिटनेस का भी है। आप कोई भी गेम खेलते हो, आप ओलंपिक्स की गेम हो गए, आप क्रिकेट हो गया, कोई भी गेम खेलते हो, उसमें फिटनेस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फिटनेस के लिए जिम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब और भी फिटनेस के तरीके हैं, बट जिम जो है उसमें एक पार्ट अपना बहुत अहम रोल है उसका, तो वो भी पेनिट्रेशन वहां भी बढ़ रहा है। आप स्टेडियम देख लो, उसमें लग्जरी जिम्स लगे रहते हैं, आप होटल्स देख लो, वहां लग्जरी जिम लगे रहते हैं, आप रिसोर्ट देख लो, आप छोटा होटल भी आजकल ओपन हो रहा है ना, जो 2-स्टार 3-स्टार होटल की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी आपको जिम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये देख लो कि पेनिट्रेशन इवन स्मॉल सिटीज में जो होटल्स बन रहे हैं वो भी अपना स्पेस छोड़ रहे हैं जिम के लिए, तो आप पेनिट्रेशन देख लो। इवन मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में जिम इंस्टॉल किए हैं, मैंने कई बड़े स्कूल्स में जिम इंस्टॉल किए हैं, जहाँ पर उनकी फिटनेस एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो फिटनेस के लिए भी अपना स्पेस रखते हैं और वो जिम वहाँ इंस्टॉल कराते हैं। तो ये भी दर्शाता है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो पेनिट्रेशन है हर एक सेक्टर में है फिटनेस। इवन आप IT सेक्टर्स देख लो, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इंडिया में बहुत सारी, आपको पता है, तो उनके हर एक ऑफिस में आपको, जो भी अच्छा बड़ा ऑफिस है उसमें आपको जिम सेटअप मिलेगा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि अगर आप जिम खोलने का प्लान कर रहे हो तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सारे सर्वे करो आप, और फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। ये मान के चलना आप, कंपटीशन भी बहुत बढ़ने वाला है, जहां पे मार्केट होता है वहां कंपटीशन भी बढ़ता है, पर कंपटीशन बढ़ता है जहां ग्राहक होता है वहीं पे बढ़ता है, तो आपका पार्टिसिपेशन भी वहां भागीदारी होगी, तो जो भी वो वैल्यूएशन है पूरी मार्केट की उसमें से एक परसेंटेज आपको भी जाएगा, अगर आप काम ही नहीं करोगे तो क्या जाएगा। तो ये मान के चलिए कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर प्लान कर रहे हो आप तो बिल्कुल डेफिनेटली प्लान करो, जिम लगाओ। अब इस वीडियो में यही समझाना चाहता था कि अगर आपको कंसर्न है कि जिम बिजनेस का फ्यूचर क्या है, तो इन बातों से आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला, कहीं से कहीं तक भी फेलियर नहीं है। फेलियर अपने कुछ पॉइंट्स पे आता है, इसलिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो मैं लिंक लगा दूंगा ताकि आप देख सको, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा ताकि आप देख सको, और वीडियो चैनल पे जाके और भी सर्च करेंगे आप तो हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगी, फिटनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड, जिम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। अगर आपको कमर्शियल जिम सेटअप लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके मेरी टीम से बात कर सकते हो आप, अलग अलग पैकेजेज हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके स्पेस एरिया फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। थैंक यू सो मच।